वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. आई एम रविका फ्रॉम SIMT नकोदर. बच्चा हमने जो कर रहे थे, हम PPM का कंसेप्ट कर रहे थे, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है वो हमने किया था जर्नली. अगर हम इसका थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है. ये जो होता है ये लॉन्ग टर्म होता है, 5 to 10 years होता है, जबकि ऑपरेशनल शॉर्ट टर्म होता है. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फोकस करती है फ्यूचर की अचीवमेंट्स पे या कंडीशंस पे, लेकिन ऑपरेशनल प्लानिंग की अचीवमेंट या टारगेट्स होते हैं वो एनुअली होते हैं. इसमें वेट जो होती है या सीरीज़ ऑफ ऑल्टरनेटिव होती हैं वो फंडामेंटल चॉइसेस होती हैं, जबकि ये प्लान्ड एक्टिविटीज़ होती हैं. और इसमें हम ऑलरेडी चॉइसेस जो हैं वो बना चुके हैं. ये ऑल्टरनेटिव्स हम इसको इसमें कोई भी कंसीडर नहीं करते. ये जो है ये बहुत ज़्यादा सेवरल फंक्शंस हैं और इसमें हम फोकस कर देते हैं वन यूनिट पे जो कि हमारे रिलेटेड एक्टिविटीज़ से होता है. इसमें जो हैं स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो रिसोर्सेज के लिए होते हैं या मोबिलाइजेशन के साथ होते हैं जो कि हमारी एक्टिविटीज़ की होते हैं. और रिसोर्सेज जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम इसे ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं. ये जो है इसमें हमें रेटिफिकेशन होती हैं जिसमें हमारे पास गवर्निंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है. और इसमें कोई फॉर्मल एक्शंस या रेटिफिकेशन जो है वो हमें रिक्वायर्ड नहीं होती. बोलते हायरार्की ऑफ गोल्स या प्लान्स, ठीक है. इसमें गोल्स या प्लान्स के लिए हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी, फिर होते हैं टैक्टिकल्स, फिर होते हैं ऑपरेशंस. अब हम देखें, मैनेजी स्ट्रैटेजी जो है वो हमेशा ही टॉप लेवल पे बनाई जाती है. इसमें जो है लेवल ऑफ डिटेल्स बहुत ज़्यादा कम दी जाती हैं और इसमें टाइम जो है वो 3 to 7 years जो है वो होता है. टैक्टिकल्स जो होता है ये मिडल मैनेजीरियल लेवल होता है. इसमें लेवल ऑफ डिटेल मीडियम मीडियम दिया गया होता है, ठीक ठीक दिया गया होता है. और ये जो है जनरली 1 to 2 years का होता है. ऑपरेशनल की अगर हम बात करते हैं, ये जो है फ्रंट लाइन में होता है. लेवल ऑफ डिटेल इसमें बहुत ज़्यादा दिए गए होते हैं और ये जो है 1 year से भी कम का होता है, ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं. हमारे पास स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, स्ट्रैटेजिक गोल है और क्या है स्ट्रैटेजी. अब बोलते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है ये क्या होता है, ये सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हम डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं. और इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्ग टर्म गोल्स या स्ट्रैटेजीज जो हैं वो बताती हैं. स्ट्रैटेजिक गोल्स की बात करते हैं तो ये जो है ये एक तरह का मेजर टारगेट होता है. और इसमें एंड रिजल्ट जो है वो किसके साथ रिलेट करता है, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के साथ या फिर वैल्यू एंड ग्रोथ, ठीक है. सबसे पहले स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है क्या है, ये सेट है हमारे प्रोसीजर्स के जिसमें हम क्या करते हैं डिसीजन मेकिंग बनाते हैं. इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन या लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं या स्ट्रैटेजीज जो हैं वो हम देखते हैं, ठीक है. अब बोलते हैं ये जो है इसमें मेजर टारगेट या एंड रिजल्ट जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन या लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए होता है. गोल्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें सर्वाइवल, वैल्यू या ग्रोथ को जो है वो ज़्यादा कंसीडर किया जाता है या इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है. जबकि स्ट्रैटेजी जो है ये एक पैटर्न होता है हमारे एक्शंस का या रिसोर्सेस का, जिसमें हम एलोकेशंस करते हैं डिज़ाइन की कि कैसे हम अचीव कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को. अब बेनिफिट जो है वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की क्या होगी, सबसे पहले ये मोटिवेट करते हैं स्टाफ को या वॉलंटियर्स को. ये जो है बिल्ड करते हैं एक प्लानिंग टीम. इसमें जो है इनका एक कॉमन विजन होता है. ये जो है हमें की इशूज़ या सॉल्विंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो बताते हैं कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या कौन कौन से इश्यूज़ जो हैं वो हमें फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है. अब इसके बाद जो है ये हमें हमारी रूल्स जो हैं वो क्या हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो डिफाइन करते हैं कि क्या क्या हैं. और इसमें जो है चैलेंजिंग द स्टेटस क्यो, कि ये जो हमारे स्टेटस को जो है चैलेंजिंग करते हैं. ऑब्वियसली जहाँ पे हम हैं वहाँ से हम और अच्छे कैसे जा सकते हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें बताते हैं. सबसे पहले अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, बेनिफिट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमें इनसे करने से होंगी. और ये जो बेनिफिट्स हैं ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे या इम्प्रूविंग वे में जो है चलाने के लिए मोटिवेट करते हैं, ठीक है. इसमें हम मोटिवेट करते हैं स्टाफ को, ठीक है, या जो हमारे वॉलंटियर्स होते हैं कि वो कैसे जो हैं अपना बेस्ट जो है वो दे सकते हैं. देन ये जो है प्लान करते हैं बिल्डिंग्स की या प्लानिंग्स की, ठीक है. इसमें जो है टीम होता है या इनका एक कॉमन विजन जो है वो बताया गया होता है.
इसमें जो है की इश्यूज़ हैं या सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वो हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, ये हमें जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बताते हैं। ठीक है, इसमें जो हम चैलेंजिंग करते हैं स्टेटस को या क्यूज़ को, ठीक है, वो हमें बताते हैं। नेक्स्ट जो है वो लिमिटेशंस की हम बात करते हैं, लिमिटेशंस जो हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है वो समटाइम कॉस्टली हो सकती है, ये इसकी मेन लिमिटेशन है। अब ये लिमिटेशन कैसे है, क्योंकि कॉस्टली होने के कारण इसे हर कोई जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ ही पर्सन जो हैं या जिनके पास पैसा है या मनी है, वही इन चीज़ को क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो रेडी नहीं होती है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए, तो ये जो है मेन प्रॉब्लम हमें क्रिएट करती है। अब लैंग्वेज या टर्मिनोलॉजी या कंसेप्चुअल रिक्वायरमेंट जो है वो एसोसिएट होते हैं किसके साथ, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ, और समटाइम जो है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट हो जाते हैं यूज़फुल के लिए। इसमें जो है स्टाफ जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो हम देखते हैं। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। इसमें कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।